पावन चिंतन धारा आश्रम भी युवा अभ्युदय मिशन के माध्यम से युवाओं के शारीरिक, मानसिक, चारित्रिक और आध्यात्मिक विकास के लिए प्रयास कर रहा है। ये युवा पूरी दुनिया को झुका सकते हैं और ये युवा भारत की अर्थव्यवस्था ही नहीं, भारत की सामाजिक व्यवस्था को भी चरम पर ले जाकर विश्वगुरु बना सकते हैं। यूथ अवेकनिंग मिशन अपने आप में बिल्कुल अलग है। कैसे बोले, कॉन्फिडेंस कैसे बढ़ाएं, अपने देश को, अपने समाज को, अपने इतिहास को, अपने धर्म को कैसे समझें, समाज के लिए वह कल्याणकारी बने, हम एक ऐसी ऊर्जा का निर्माण हम अपने नवयुवकों के अंदर करना चाहते हैं। यह पावन चिंतन धारा इस संस्था के माध्यम से यह कोशिश की जा रही है। वेलकम टू यूथ अवेकनिंग मिशन कोविड हेल्पलाइन। कोरोना के इस भीषण जंग में कुछ उत्साही युवाओं ने आपदा के बीच कोरोना पीड़ितों की मदद के लिए हाथ आगे बढ़ाया है। पावन चिंतन धारा आश्रम का प्रकल्प युवा अभ्युदय मिशन युवाओं का एक ऐसा समूह है जो देश और समाज के हित सेवा को ही अपना धर्म मानता है। आज इंसान के सामने आई जिंदगी की सबसे बड़ी चुनौती को कम करने के लिए संस्था के लोगों ने युवाओं की अलग अलग टीम बनाई है। कोविड के मरीज जो होम आइसोलेशन में हैं, उनके मनोबल को ऊंचा रखने और उन्हें मेडिकल सहायता देने के लिए टीम ने ऑनलाइन ओपीडी सेवा शुरू की है। मात्र 12 दिनों में 200 डॉक्टरों की मदद से लगभग 5000 मरीजों की सहायता इस टीम ने की है। ऑल इंडिया कोविड हेल्पलाइन के तहत हमने लगभग 5000 मरीजों तक चिकित्सा पहुंचाई। 200 डॉक्टर्स की टीम के साथ हम लगातार कार्यरत हैं और जब तक हालत सामान्य नहीं हो जाते हम लोग इस सेवा को लगातार चलाते रहेंगे। युवा अभ्युदय मिशन आप टीचर नहीं है लेकिन आप गार्डियन। आपके स्कूल का नाम है ऋषिकुल शाला, क्या नाम है? बिल्कुल, तो आपको एक बहुत अच्छा इंसान और एक ऐसा मजबूत व्यक्तित्व बनना है जो देश के लिए काम कर सके और देश की रक्षा कर सके। तो देश की रक्षा कौन करेगा? हम करेंगे। कि आप अपनी बात पुरजोर लेकिन सभ्य तरीके से रखिएगा। यूथ अवेकनिंग मिशन मेंबर्स फ्रॉम अक्रॉस द नेशन आर इन योर फेवर एंड इन योर सपोर्ट। हम जहांगीरपुरी के उसी एरिया में हैं जहां पे राइट शुरू हुआ था। हर व्यक्ति अपना एक पौधा ले, किसी स्थान विशेष पर जाए और वहां पर उस पौधे को रोप दे और ये ध्यान रखना बहुत जरूरी है कि वह पौधा जीवित रहे क्योंकि यह केवल एक दिन का कार्य नहीं है, यह नियमित कार्य है।
छोटा सा निवेदन, यह संदेश हर घर तक पहुँचाएं। जरा सोचिए, जिनकी हम प्रतिदिन आराधना करते हैं, जिनसे हम हर सुख पाते हैं, क्या उनका अपमान होना चाहिए? जो हमारी संस्कृति के स्तंभ हैं, यानी हमारे भगवान, क्या उन्हें पूज कर कूड़े के ढेर में फेंक देना चाहिए? क्या मिठाइयों और पटाखों के डब्बों पर उन्हें छाप कर गंदा होने देना चाहिए? नहीं, बिल्कुल नहीं। इससे हमारी संस्कृति का अपमान होता है और दुनिया भी हमारे देवताओं का मजाक बनाती है। तो आइए शुरू करते हैं एक पावन मुहिम। अनुपयोगी या खंडित मूर्तियों को इधर उधर ना फेंका करें। भगवान के चित्र वाले पटाखों और मिठाइयों को डिब्बों को मना करें। याद रखिए, जब हम करेंगे अपने भगवान का सम्मान, तभी विश्व करेगा। उन्हें प्रणाम। इसमें हमने लगभग 20 दिन हुए हैं जब से हमने कार्यक्रम शुरू किया था, और गुरुजी के आह्वान के बाद से लगातार ये चीज़ देखी कि धर्म ऐसी चीज़ है जो पूरे देश में हर किसी को बांधती है। हमारे पास हैदराबाद से, गुजरात, राजस्थान के इंटीरियर एरिया से, सिलीगुड़ी से, जम्मू से भी इतने लोगों ने, हर किसी ने समर्थन दिया। साथ चलने का सफर होता है, यहाँ से व्यक्ति से समाज का निर्माण होता है। एक चार दीवारी के बीच कुछ एकेडमिक बातें हो जाने से अब आगे निकलना होगा, हमें अब एक्टिविस्ट बनना होगा।